हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी सी 67 5G फ़ोन है, तो रियल मी सी 67 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस है, तो टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को कैसे ऑफ कर सकते हैं अपने रियल मी सी 67 5G फ़ोन में, और कैसे आप टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को बंद कर सकते हैं रियल मी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो हो रहे हैं इस तरीके से, जो भी आपके ऑल आइकन्स हैं। तो इसमें से आपको सेटिंग्स आइकन पर जाना होगा, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो आप कैसे टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को ऑफ कर सकते हैं अपने रियल मी फ़ोन में, तो सिंपली आपको बस स्लाइड करना है। स्लाइड करते ही आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा साउंड एंड वाइब्रेशंस, तो इस पे जाकर जो भी आपका टच साउंड एंड टच वाइब्रेशन है उसको ऑफ कर सकते हैं अपने रियल मी फ़ोन में। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा टच साउंड, तो जिसको ऑफ कर देंगे तो जो आपका फ़ोन का टच साउंड है ऑफ हो जाएगा, कोई भी साउंड आपके टच पे शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से टच साउंड को ऑफ कर सकते हैं, और साथ में ही आप टच वाइब्रेशंस भी ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस वाइब्रेशन सेटिंग्स पे जाना है, वाइब्रेशन हैप्टिक सेटिंग, जिसके जरिए आप टच वाइब्रेशंस को भी ऑफ कर सकते हैं। जैसे टच फीडबैक होता है तो इसमें फीडबैक शो हो रहा है, वाइब्रेशन भी शो हो रहा है, अब यहाँ से ऑफ कर देंगे तो जो भी आपका टच वाइब्रेशन है वो भी ऑफ हो जाएगा और कोई भी वाइब्रेशन एंड टच साउंड शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से टच साउंड एंड टच वाइब्रेशंस को भी ऑफ कर सकते हैं अपने रियल मी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो।